नमस्कार किसान मित्रों, आर के बीडस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज डीपी क्रॉस चेक्स का 7वां दिन है। मैनेजमेंट की बात करी जाए तो जो ब्रूडिंग हाल बना हुआ था वो ब्रूडिंग वाल को हमने हटा दिया है। एक तरफ प्लास्टिक की सीट लगा दी है व दूसरी तरफ लकड़ी की पेटी लगा दी है। अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस भी हमने काफ़ी बढ़ा दिया है, क्योंकि बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं इसीलिए हमने इसका स्पेस भी बढ़ाया है। अगर बिछावन की बात करें तो नीचे हमने लकड़ी का बरूदा बिछाया हुआ है, आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं। बच्चे काफ़ी तंदुरुस्त हैं व काफ़ी हेल्थी हैं। आज का मेरा विषय है चिपक गई। चिपक गई मतलब आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं, ये दो बच्चे हैं, इनको चिपक गई, मतलब बच्चों के पीछे बीट चिपक गई। यदि इस बीट को हमने 4-5-6 दिन तक नहीं निकाला तो ये बच्चा ब्रूडिंग हाल में अपने आप ही मर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। रुई लेना है, रुई को गीला करना है और इसको इसकी जो बीट है इसमें छपाना है हल्का सा, ताकि बीट भी गीली हो जाए, और इसको हल्के हल्के हाथ से इसको निकाल देना है। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है, बच्चे को पीछे चोट ना लगे, नहीं तो इसकी मृत्यु हो सकती है। हल्के हाथ से छुटा देना है, ये आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं। मैंने इसकी जो बीट थी इसको छुटा दिया है और इसको फिर से ब्रूडिंग हाल में छोड़ दूंगा। आप सोच रहे होंगे ये समस्या बच्चों में क्यों आई, तो इस समस्या का आने का कारण है, जब बच्चा प्रथम में हमारे पास आया था तो प्रथम दिन हमने गुड़ का पानी लगाया हुआ था, तो कुछ बच्चे, मतलब ये दो बच्चे थे, इन्होंने गुड़ का पानी नहीं पिया है। गुड़ का पानी नहीं पीने से इनके अंदर का जो यॉक था, यॉक मॉल्ट नहीं हुआ। यॉक मॉल्ट नहीं होने कारण बच्चों का डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं हुआ, जिसके कारण जो बीट कर रहे थे बीट इनके पीछे चिपक जाती थी, इसीलिए मेरा वैसे चिपक गई। बीट चिपकने के कारण ये 5-6 दिन में अपने आप ही ब्रूडिंग हाल में ख़त्म हो जाते और आपको पता भी नहीं चलता। यदि आप अधिक बच्चों में ये समस्या हो तो क्या करें, अधिक बच्चों में यदि ये समस्या हो तो 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल के दें व 5 ग्राम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब जो खाने वाला सोडा है। अब आप पूछेंगे इससे क्या होगा, जो गुड़ देने से है इसके अंदर जो हल्का बहुत मॉल्ट है, वो यॉक है, वो जल्दी मॉल्ट हो जाएगा, और बेकिंग सोडा देने से इसका जो डाइजेशन सिस्टम है इसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा और यह सुचारू रूप से काफ़ी अच्छे से मूवमेंट करने लगेगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी?